हेलो हेलो बेबी, क्या हुआ? बेबी वो लोग वहां गए क्या? हाँ, तुमने अपने आप को छुपा लिया ना? हेलो शालिनी, तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पागल हो गए हो क्या? हॉस्पिटल है। डॉक्टर सीमा अब कौन आ गया? आप दरवाजा मत खोलिए। क्यों, तुम जानती हो बाहर कौन है? हाँ, नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जो कोई बाहर है ना, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, मेरा नाम बदनाम करना चाहता है। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर सीमा, तुमने अपने आप को छुपा लिया ना? प्लीज बी सेफ, उनसे छुप जाओ, किसी ना किसी तरह उनके सामने देखना ही मत। तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाय डॉक्टर। यस, क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए, मेरा पहले का एक अपॉइंटमेंट चल रहा है अभी, तो अगर आपको इनका चेकअप करवाना है तो आप दोनों को बाहर वेट करना पड़ेगा। नो डॉक्टर, इनको कोई चेकअप की जरूरत नहीं है। आई मीन शी इज क्वाइट हेल्दी। हमें तो उसका चेकअप करना है जिसका चेकअप आप अंदर कर रही हैं। रुकिए, आप इस तरीके से अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली डॉक्टर वो, सॉरी बेबी डॉ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता। शालिन बेबी ने कॉल कट किया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। शालिन बेबी 100% किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। उसकी मदद करने जाऊं क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अगर वहां पर गया और किसी ने मुझे देख लिया तो, करण और प्रीता ने मुझे वहां देख लिया तो मेरी बैंड बच जाएगी, मेरी पोल खुल जाएगी। यार करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माइल, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? अब डॉक्टर बोल रही है तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। गुड, फाइनली आप बात को समझ गए, प्लीज गो। या, लेट्स गो। अरे इतनी जोर से पैर पे पैर मार रहा है। लेकिन चल तो तुम रही थी ना, मैं कहाँ चला? तो तुम क्या कर रहे थे? ये क्या आपने जानबूझ के किया? ये मैंने सॉरी बोल दिया ना एडवांस में। सॉरी कब बोला तुमने? बोला तो था डॉक्टर के सामने, राइट डॉक्टर? नहीं, मैंने तो कोई सॉरी नहीं सुना। कोई सॉरी नहीं बोला ने। हाँ ठीक है चलते हैं। आओ, अरे ये क्या किया? भाई जो मुझे सही लगा। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे? डॉक्टर, आपने तो कहा था कि आपके साथ यहाँ एक और पेशेंट है। यहाँ तो कोई नहीं है, तो कहाँ गया वो पेशेंट? नहीं पृथ्वी, शैलिन के पास की बात नहीं है इतनी बड़ी मुश्किल को हैंडल करना। ये तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शैलिन का पर्दाफाश होता है तो उसके साथ साथ तेरा भी पर्दाफाश हो जाएगा, तेरी भी बैंड बच जाएगी, और इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तुझे इस सिचुएशन को किसी भी हाल में कंट्रोल में लाना होगा, वो भी करण और प्रीता के वहां पहुंचने से पहले। मैं खुद ही चेक करता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप इस तरह जबरदस्ती घुस के जासूसों के जैसे नहीं कर सकते हो। ये हॉस्पिटल है, यहाँ के कुछ नियम है, आप लोगों को पता नहीं है किस तरीके से यहाँ पे पेश आना चाहिए? डॉक्टर रिलैक्स,
आप मुझे नहीं जानते? क्या हुआ, पहचाना नहीं आपने मुझे? दी करण लूथरा साबित करने के पीछे पड़ जाएगा और इस चक्कर में ना शर्लिन को भूल जाएगा। गॉड, जरूरी थोड़ी है कि हर कोई इसे पहचान ले, लेकिन नहीं, इतना बड़ा ईगो लेकर चलता है ना ये इंसान। क्या हुआ, पहचाना नहीं आपने मुझे? हाँ, लेकिन जानते हैं, आपको तो कौन नहीं जानता है, लेकिन इस तरीके से किसी के केबिन में घुसाना ये गलत बात है। मैंने आपको इजाजत दी अंदर आने की? इजाजत मैं लेना चाहता था, लेकिन आपने दी नहीं, इसलिए मैं ऐसे ही आ गया अंदर। हाँ, मैं नहीं देना चाहती थी आप लोगों को परमिशन, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप लोग अंदर आओ। लेकिन मैं चाहता था कि मैं अंदर आके देखूं कि आपका पेशेंट कौन है, मैं आपके पेशेंट को देखना चाहता था। ओह माय गॉड मिस्टर, मैं आपको कौन सी भाषा में समझाऊं कि इस तरीके से अंदर आना अलाउड नहीं है। ओह गॉड प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार मुझे बचा लो, आगे से मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। करण और प्रीता लड़ी मेरी जान के दुश्मन बने हुए, इन दोनों को मेरा पीछा करने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? दिन हो या रात हो मुझे टेंशन देते रहते हैं। ओह नो, ये प्रीता तो मेरी तरफ आ रही है। अरे ये डॉक्टर क्या कर रही है, रोकते क्यों नहीं उसे? ये लगता है खुद भी करण की फैन बन गई है। अगर मैं यहाँ से नहीं हिली तो मैं पक्का पकड़ी जाऊंगी, और अगर प्रीता ने ये डोर स्लाइड कर दी तो भी पकड़ी जाऊंगी। अरे क्या करूं? बेबी डॉल, ये टेस्ट मैच नहीं है, वनडे मैच है, 2020 है प्रीता। इतना स्लो क्यों जा रही हो? कम ऑन, गो डू द पर्दाफाश। रुको, यहाँ आइए, रुकिए। हेलो सिक्योरिटी, जल्दी आइए, रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? हो गई तसल्ली, कर लिया मेरा पूरा केबिन चेक, मिला कोई आपको? ये क्या तरीका है? डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर 100% श्योर कि शर्लिन यही है। इनको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या नाम बताया आपने अपना? प्रीता, डॉक्टर प्रीता अरोड़ा। मैं इनसे बात कर रही हूँ। लेकिन आप किसी से भी वो बात नहीं कर रही हैं जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये शक बैठ गया कि हम दोनों आपके पेशेंट शर्लिन के लिए ठीक नहीं है, राइट? मिस्टर करण, आप चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाइए, वरना कल मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज होगी कि एक मशहूर क्रिकेटर करण लूथरा को डॉक्टर के केबिन से धक्के मार कर निकाल दिया गया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये क्या तरीका है बात करने का? आप देखिए तो सही आप किससे बात कर रही हैं? ये करण लूथरा है, एक बहुत ही शरीफ और इज्जतदार इंसान, कोई गुंडा नहीं है जो दारू पी के यहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने आ गया हो। वो जो भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एक रीजन है, और हमने आपसे कहा क्या है? सिर्फ इतना ही ना कि आप जिस पेशेंट के साथ हैं हमें एक बार उसका चेहरा देखने दीजिए। छोटी सी गलती ये हो गई कि आपसे नाम नहीं लिया हमने। शर्लिन नाम लिया था जी, लेकिन डॉक्टर आप सिर्फ नाम जानती हैं उसका, आपको ये नहीं पता कि वो लड़की कितनी गलत है, कितने सारे लोगों को धोखा दे रही है। देखिए मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप हमारी मदद नहीं करें तो हम किसी की जिंदगी खराब होने से नहीं रोक पाएंगे। आप प्लीज हमारी बात सुनिए, वो लड़की है ना शर्लिन, वो बहुत शातिर लड़की है, वो दिखती मासूम है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है इसके बड़े भाई ऋषभ लूथरा से, लेकिन वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ये सच सबसे छुपा रही है डॉक्टर, क्योंकि उसे शादी ऋषभ जी से ही करनी है, अपने प्रेमी से नहीं। ये क्या बात हुई, आप खुद ही सोचिए। देखिए डॉक्टर मेरी बात सुनिए, मेरा भाई ना बहुत सीधा साधा इंसान है, बिल्कुल चालाक नहीं है वो, और अगर शर्लिन के साथ उसकी शादी होगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस मुझे एक सबूत की जरूरत है जिससे ये प्रूव हो जाए कि शर्लिन मेरे भाई के लायक नहीं है। प्लीज हेल्प अस। मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है कि मैं अंदर आपके केबिन में ऐसे ही घुसाया बिना परमिशन के, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, आपने अंदर आने के लिए मना कर दिया था। करण की जो फैमिली है ना वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मासूम लोग हैं सब, आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन शर्लिन
शालिन बहुत चालाक है, बहुत ही शातिर है। वो ऋषभ जी के साथ ना उसकी शादी होने वाली है, लेकिन ऋषभ जी इस बच्चे के बाप नहीं है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और वो सारी फैमिली की आंखों में धूल झोंक रही है, उन्हें झूठ बोल रही है। आपको पता है उसने क्या कहा? उसे कहा ये एसिडिटी का केस है, सीवियर एसिडिटी का। और डॉक्टर ने उसे कहा है, वो डॉक्टर्स का नाम भी बदनाम कर रही है। आप खुद ही सोचिए ना डॉक्टर, शादी करना चाहती है ऋषभ जी से, लेकिन उसके साथ साथ अपना अफेयर भी रखना चाहती है। पर डॉक्टर, मैं जानता हूँ उसका अफेयर कैसे चल रहा है। शायद आप उस आदमी से आज मिली भी होंगी। आई मीन, आपके हॉस्पिटल का रूल है ना कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो अपने हस्बैंड या लवर के साथ ही आ सकती है। क्या डॉक्टर, आपने उस आदमी को देखा है? क्या आप उस आदमी से मिली? प्लीज डॉक्टर, प्लीज हमें बताइए डॉक्टर, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। पढ़ी लिखी हो ना, इतनी भी अकल नहीं है कि अगर नॉर्मल इंसान किसी के साथ अबॉर्शन करवाने के लिए आता है, नहीं आ सकता। मैं जो कुछ कर रही हूँ शर्लिन का साथ देने के लिए, क्या मैं सही कर रही हूँ? पागल है क्या, अंधा है क्या, देख के नहीं जा सकता? एक सेकेंड, तुझे करण लूथरा ने भेजा है ना मुझे धक्का मारने के लिए? सच सच बोल, तुम करण लूथरा को क्रिकेटर हीरो को जानते हो क्या? चताक, पागल है क्या? क्या बोला तू? क्या नहीं पृथ्वी, इतना टाइम नहीं है तेरे पास। बाहर मिल, तब तुझे दिखाता हूं कि मैं किस किस्म का पागल हूं। एंड तब तक गिल्ली डंडा देख, जा भाग यहां से। डॉक्टर प्लीज, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ऋषभ जी एक बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान है, और वो लड़की उनके साथ धोखा कर रही है, और वो शर्लिन को दिल से चाहते हैं, लेकिन शर्लिन उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। अगर ऋषभ जी की जिंदगी बर्बाद होती है डॉक्टर, तो उसका कारण सिर्फ शर्लिन नहीं होगी, आप भी होंगी, क्योंकि आपके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। और अगर आप इस पे जानबूझकर पर्दा डालती हैं, तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज डॉक्टर, समझने की कोशिश कीजिए, आपका हमें हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की जिंदगी का सवाल है, सारी फैमिली का सवाल है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। मैं समझती हूँ कि एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का साथ देना हमारे लिए एक इमोशनल ड्यूटी होती है, लेकिन इस केस में नहीं, क्योंकि आप जिस औरत की मदद कर रही हैं वो एक बहुत ही चालाक और मतलबी औरत है। इस वक्त आपकी सिंपैथी उस लड़की के साथ नहीं, उस लड़के के साथ होनी चाहिए जिसकी जिंदगी वो बर्बाद करने जा रही है, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं है। प्लीज डॉक्टर, आप उस लड़की के आंसुओं पर मत जाना, क्योंकि वो मगरमच्छ के आंसू हैं, वो लड़की ड्रामा कर रही है। एक औरत होने के नाते, इतने नोबल प्रोफेशन में होने के नाते, आपका सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि अगर आपकी आंखों के सामने कुछ इतना गलत हो रहा है तो आप उसे वहीं रोकें। प्लीज डॉक्टर, आप हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम उस धोखेबाज शर्लिन का सच सबके सामने लेकर आ सके। प्लीज प्लीज डॉक्टर, सच्चाई का साथ दीजिए। मैं जानती हूँ कि ये शायद आपकी हॉस्पिटल के प्राइवेसी टर्म्स के खिलाफ होगा, लेकिन प्लीज हम पर विश्वास कीजिए। डॉक्टर प्लीज, कुछ तो बोलिए। आप समझ रही हैं ना कि आपका हमें हेल्प करना कितना इम्पोर्टेंट है? किसी की जिंदगी का सवाल है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम आपसे इतनी मिन्नतें नहीं करते। कहीं आवाज ना सुन ली हो किसी ने? कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है बाहर, कहीं वो।
मिस्टर करण लूथरा चले गए? ये करण अचानक से बाहर क्यों चला गया? ओह नो, कहीं कहीं से पृथ्वी को तो नहीं देख लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वी बहुत स्मार्ट है, उसे पता है कि करण और प्रीता इसी हॉस्पिटल में, वो बहुत अलर्ट रहेगा। आप उसकी छोड़िए, हो सकता है कोई फोन आ गया हो। आप प्लीज मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो जो भी कुछ हो रहा है ना, मैं अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानती हूँ। आपको ऐसे समझ में आएगा, मैं आपको बताती हूँ, पूरी बात बताती हूँ। ऋषभ लूथरा है ना, जो करण के बड़े भाई हैं, जिनसे शर्लिन की शादी होने वाली है, उनको तो कभी शादी करनी ही नहीं थी। उन्होंने सोच लिया था कि उनकी जिंदगी, उनका टाइम सिर्फ उनके परिवार वालों के लिए है, वो उसे किसी और के साथ डिवाइड करना ही नहीं चाहते। बहुत अच्छे इंसान हैं। कॉलेज में थे जब उनके फादर को पहला हार्ट अटैक आया था, बस तब से उन्होंने सोच लिया कि वो सबको छोड़ के अपने घर, फैमिली, अपनी बिजनेस, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पर ले लेंगे। जब भी उनकी मॉम ने उनसे शादी की बात करी तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि वो अपना टाइम किसी और के साथ बांट ही नहीं सकते, उनकी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार के लिए है। हार कर उनकी मॉम ने मुझे कहा कि मैं ऋषभ जी से जाकर बात करूं और उन्हें मनाने की कोशिश करूं। तो मैं ऋषभ जी के पास गई और मैंने उन्हें बहुत कन्विंस करा कि आप प्लीज इस शादी के लिए हाँ कह दीजिए। ये जो लड़की है शर्लिन, उनके परिवार वालों को ठीक लगी थी, अच्छी लगी थी, और मैंने उन्हें बताया कि उनके एक हाँ कहने से उनकी फैमिली कितनी खुश हो जाएगी, घर में खुशी की लहर सी दौड़ जाएगी, माँ कितनी खुश हो जाएंगी, घर में सब लोग कितने खुश हो जाएंगे, और मेरी बात मानकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी। मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें शादी की नहीं, बर्बादी की राह दिखा रही हूँ। डॉक्टर, आप सोच सकती हैं ना कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा। मतलब मैंने बहुत ही सच्चे मन से उन्हें इस शादी के लिए हाँ कहने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि ये फैसला उनके लिए जिंदगी भर की सजा बन जाएगी। अब गलती मुझसे हुई है तो मुझे ही ठीक करनी होगी ना। और ये शर्लिन की आज की कहानी नहीं है, मैंने शर्लिन को पहले भी किसी और आदमी के साथ देखा है, अलग अलग ओकेजन्स पे देखा है, लेकिन मैं कभी पकड़ नहीं पाई, मैं कभी कोई सबूत नहीं जुटा पाई, इसलिए मैं कभी कुछ बोल नहीं पाई। ओह गॉड, लगता है प्रीता की बातों का असर हो रहा है डॉक्टर पे। आपके सामने है डॉक्टर, ऋषभ लूथरा की फैमिली बहुत ही सिंपल है और उनके पास बहुत दौलत है, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं है, दिखावा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग सबसे बहुत प्यार करते हैं। आप मान सकती हैं, मैं तो एक छोटी सी उनकी दादी की फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन कभी उस परिवार ने मुझे फिजियोथेरेपिस्ट या ऐसा कुछ नहीं समझा, मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझा, और आज मेरी वजह से उनकी फैमिली पर इतनी बड़ी तकलीफ आने जा रही है। डॉक्टर, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप मेरा साथ देंगी तो हम इस लड़की शर्लिन का सच सबके सामने ला सकते हैं। प्लीज़ डॉक्टर, आप मुझे बता दीजिए कि ये आपकी पेशेंट कौन है और यहाँ क्यों आई है, प्लीज़ डॉक्टर। अरे, ये पृथ्वी कहाँ रह गया? जब उसे पता है कि मैं इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई हूँ तो कुछ कर क्यों नहीं रहा? वैसे मुझे यकीन था कि आज मैं तुझे इस हॉस्पिटल में जरूर देखूंगा। तू शर्लिन के साथ आया ना यहाँ? What? ऐसे क्या देख रहा है? जो पूछ रहा हूं उस सवाल का जवाब दे। तू यहां शर्लिन के लिए आया ना? बोल!
मैंने आपको सब कुछ बता दिया डॉक्टर, आप सारी सच्चाई जानती है, एक एक डिटेल जानती है उनकी फैमिली के बारे में, उस इंसान के बारे में जिसके साथ वो धोखा कर रही है। अब तो आप मेरा साथ देंगी प्लीज डॉक्टर, आप सब कुछ जानते हुए तो एक फैमिली के साथ, इतने सारे लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात तो नहीं होने दे सकती है ना। देखो प्रीता, तुम भी एक डॉक्टर हो और तुम जानती हो कि हमारे कुछ फर्ज होते हैं पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन हम इसे नहीं दे सकते हैं, उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, हम ये राज सबको नहीं बता सकते हैं, तुम्हें पता है ये। और अगर किसी की फैमिली का मैटर है तो उससे मुझे क्या लेना देना। अगर मेरे पेशेंट ने किसी के साथ धोखा किया है तो क्या मैं भी उसके साथ धोखा करूँ? नहीं प्लीज, आप मुझे इन सब के लिए फोर्स मत कीजिए,